नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण 5x-7y बराबर 8 और 10x+3y बराबर 33 से x का विलोपन करके y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे, दिया गया समीकरण है 5x-7y बराबर 8 और 10x+3y बराबर 33। ठीक है, अब इस समीकरण में हम लोगों को x का विलोपन करना है, यानी कि इस पद को गायब कर देना है। ठीक है, तब देखिए x के पद को हटाने के लिए, अब देखिए यहाँ 5x है, यहाँ पे 10x है, तो इसको भी 10x कर दिया जाए और घटा दिया जाए तो आराम से जो है यक्स जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक में क्या कितना से गुणा कर दिया जाए, 2 से। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो इसमें जो है 2 से गुणा कर देंगे समीकरण एक में। तो समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10x-7 × 14y बराबर 8 × 16। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 में से या समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लीजिए। तो लिखिए समीकरण 2 में से समीकरण 2 - समीकरण 3 करने पर तो अब समीकरण 3 को घटा दीजिए। हैं, तो समीकरण 2 क्या है, यही है ना, 10x+3y बराबर 33। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 3 क्या है, 10x-14y बराबर 16। ये समीकरण 3 है। अब घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अब चिन्ह बदल देंगे तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस में है, सेम है, तो ख़त्म हो जाएगा। अब जो है प्लस प्लस जुटेगा तो 14 × 3 17y हो जाएगा, 17y। अब 33 है प्लस में, अब ये 16 माइनस में है तो घटेगा, तो 13 × 6 = 7, 2 में से 1 = 1, यानी 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 17y = 17, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 17/17 यानी कि 1, तो y का मान 1 हो गया। ठीक है, अब y का मान 1 हो गया तो x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y = 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 यही है ना, 5x-7y = 8, तो यहाँ पर रख दीजिए, हम यहाँ पर रख दे रहे हैं दिखाने के लिए। हाँ, तो 5x, अच्छा यहाँ पे रखिए, तब यहाँ लिखे हैं, तो ठीक है, तो 5x-7 × y का मान 1 है, तो 1 आप बराबर 8। ठीक है, तो 5x-7 = 8, तो 5x = अभी इधर आ जाएगा, तो 8 प्लस में 7 हो जाएगा, तो 5x = 8 × 7 = 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, तो 5 × 15 = 3, तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस प्रकार अतः x बराबर 3 और y बराबर 1 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।